आपका हमारी आज की ब्लॉग में। आज हमने कोशिश की है कवर करने की भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी को। सो होपफुली हम लोग पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे एक दिन में, अगर पॉसिबल हुआ। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको दिखा पाएंगे उतना बेहतर है। सो सबसे ज़्यादा जो हमारा मतलब सीरियस कंसर्न रहेगा कि हम कहाँ ले जा सकते हैं, वो सबसे पहले हम लोग राम जन्मभूमि जाएंगे। एंड हमारे पास यहाँ हनुमानगढ़ी का नाम है, उस पर जाएंगे। कनक भवन हम सोच रहे हैं, बट अगर टाइम मिला तभी जा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग के साथ, सी यू। तो हमारे सफ़र की शुरुआत गोरखपुर से होती है। अयोध्या आने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें 2400 घंटे उपलब्ध होती हैं और यहाँ सभी स्थानों से पहुँचना बहुत आसान है। यह शहर लगभग लखनऊ से 130 किलोमीटर, बनारस से 200 किलोमीटर, प्रयागराज से 160 किलोमीटर, दिल्ली से लगभग 640 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आने के लिए आपको ट्रेन और प्लेन की भी सुविधाएं होंगी। ट्रेन के लिए आपका जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो अयोध्या ही है। अयोध्या पहुंचने के लिए जो निकटतम एयरपोर्ट है वो लखनऊ है, वहाँ से आपको रोड मार्ग से ही आना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये अभेद सिंह का ढाबा काफी फेमस है। वैसे अगर आप अयोध्या और गोरखपुर के रास्ते में जाओगे तो ये काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब काफी दिनों से यूज भी हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो काफी भीड़ है, काफी गाड़ियाँ अक्सर रुकती हैं। एंड अगर आप यहाँ एंट्री का डोर बहुत ज्यादा प्रीमियम तो नहीं है, ठीक है, अगर आप यहाँ से एंट्री करोगे तो आपको कुछ। करीब 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन मतलब अयोध्या नगरी पर पहुंच जाते हैं। घाघरा यानी सरयू नदी के किनारे बसे अयोध्या को घाटों एवं मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर हर गली हर चौराहे पर आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। पौराणिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक रूप से यहाँ कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन्हें पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू नदी के घाट पर स्नान करके होती है। सरयू नदी पर स्नान करने के लिए कई प्रमुख घाट हैं, जैसे नया घाट, लक्ष्मण घाट, झुमकी घाट इत्यादि। सरयू घाट के ही ऊपर स्थित है राम की पैड़ी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए जाना चाहते थे। तब श्री राम ने यह कहते हुए सरयू नदी के किनारे इस पैड़ी की स्थापना की कि संध्या के समय सभी तीर्थ स्वयं ही यहाँ पर स्नान करने हेतु प्रस्तुत होंगे, अतः उस अवधि में जो भी स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। बेसिकली गाइस ये श्री राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला, यहाँ पे जो भी पत्थर और जो भी मूर्ति बनाने में या मंदिर बनाने में निर्माण में चीज़ें यूज़ होंगी वो सब यहाँ रखी गई हैं। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ बेसिकली इन्होंने बना रखा है कि मंदिर जैसा बन के दिखेगा वो कैसा है, ये हम लोग दिखाते हैं आपको। ये रहा एक्चुअल भी मंदिर का। ये देखिए ये सब बेसिकली पत्थर है, वो सारे पत्थर, इससे आप नक्काशी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से की गई है। ये सब पत्थर जहाँ तक मुझे पता है कि ये सब राजस्थान से मंगाए गए हैं और ये सब यूज़ किए जाएंगे जब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। मौसम काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। ये सब मुझे लगता है ये सारे पत्थर अभी नहीं, बट वो जैसा मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया वो स्ट्रक्चर बेसिकली अभी इसलिए बना के रखा गया कि कल को मतलब कोई देखना चाहे कि किस तरह मंदिर होगा तो वो दिखने में वैसा ही होगा। और ये सारे पत्थर जितने ये सब यूज़ किए जाएंगे। मुझे ये चीज़ें देख के तो यही लग रहा है कि ये कोई गेट वेट के लिए यूज़ किया जाएगा। ज़रा साइड हटिए, हटो। ये देख रहे हैं आप लोग, ये बेसिकली गेट वेट होगा या हो सकता है मंदिर हो, बट हाँ यही सब।
ये सब पत्थर बेसिकली, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला अगर कोई यंत्र है तो जेसीबी की खुदाई इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जाती है। हालांकि ये क्रेन है बट हाँ, इसको मतलब जेसीबी की कैटेगरी में रखते हैं। वैसे जेसीबी कुछ होता नहीं है, वो बेसिकली कंपनी का नाम है। बट लोग सबसे बढ़िया हम आपको चीज दिखाने जा रहे हैं, ये मतलब हमारे इंडिया में अगर ये कलाकृति ना हो तो इसको तो लोग माना नहीं जाएगा कि वो ऐतिहासिक है। हाँ, ये ध्यान से देखिए, सोनू मिश्रा जी है। सोनू मिश्रा जय श्री राम, इन्होंने लिख के अपने आप को अमर कर लिया, खुद को इन्होंने अमर कर लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं। वैसे मैंने लोगों ने एक चीज यहाँ ऑब्जर्व की है, यहाँ पे ईंटों पे केवल श्री राम बस नहीं लिखा, वो कई सारे लैंग्वेज में भी लिखा है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, जैसे कि ये कोई और लैंग्वेज है, मुझे नहीं पता कौन सी, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। आप लोग ऐसे गेस करके कमेंट में मुझे बताइए कौन सी लैंग्वेज है। अच्छा, तो इन्होंने हम लोग को जैसा बताया कि पूरे भारत से आया हुआ है ये ईंट, कहीं ना कहीं मतलब हर जगह से लिख के इन्होंने भेजा है लोगों ने। मंदिर निर्माण कार्यशाला में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते, देखिए इनको, देखिए थोड़ा, एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट रुकिए, बस हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा हनुमान जी का छोटा सा। आप भाग क्यों रहे हैं, हम ऐसा क्या करना चाह रहे हैं आपके साथ, बहुत बुरा मान रहे हैं। हालांकि मुझे थोड़ा डर लगता है इन लोगों से, बट ये पता नहीं क्यों भागे जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैंने कोशिश की इन लोग को कवर करने की, बट ये मुझे लगता है फोटोजेनिक नहीं है, इनको मे भी गुस्सा लग रहा है। और ये वो जगह है जहाँ पे हमारे फैमिली वाले, मतलब हर कोई आता है तो कुछ ना कुछ पैसे चढ़ा के अपना जो भी आस्था है, जैसी आस्था है। वैसे यहाँ का अगर मैं फोटोज दिखाऊँ आप लोग को, वैसे मैं एक फ़ोटो भी क्लिक कर रहा हूँ जो मैं दिखाऊँगा इस जगह की, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को अभी दिख रहा हो तो बेसिकली हनुमानगढ़ी यहाँ है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम लोग इस रौद्र रूप में आप लोग को दिख रहे हैं। ये रूप वैसे हम लोग देखना नहीं चाहते, मतलब दिखाना नहीं चाहते सोशल मीडिया से। वैसे ये अगर आप आते हैं इधर तो कि ये ले लीजिए, ये जिसको बेस्ट होता है, देसी हम लोग नोचा बोलते हैं, क्योंकि इससे आपको गर्मी नहीं लगेगी, और गर्मी लग गई ऐसा हो जाएगा। ये हमारे सामने हम जा रहे हैं, इनको एक्चुअली थोड़ा धूप लग, इनको थोड़ा सा मतलब ऐसा फील हो रहा है, डिहाइड्रेशन टाइप का, इनका सर दर्द हो रहा है। तो बचने के लिए सबसे जरूरी है या तो अपना सुविधा अपने साथ। हाँ, और अब आप लोग को हम लोग हनुमानगढ़ी का एक लुक दिखाते हैं। रुकिए, यहाँ से देखिए, ये बेसिकली मंदिर है जो ऊपर है, और हम लोग अभी आगे से चढ़ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम लोग को ये दिव्य भगवान की दर्शन होंगे। जी बिल्कुल, ये किला टाइप का ही है, और चल के हम लोग आगे ऊपर दिखाते हैं आपको कि मंदिर कैसा है। और यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है हनुमानगढ़ी का सफर, यात्रा। हाँ, छोटा सा सफर, हम लोगों ने फूल माला ले ली है, और ये देखिए प्रोटेक्शन के साथ रखा हुआ। हाँ, ये इसमें बेसिकली बेसन के लड्डू हैं जो भगवान को चढ़ते हैं, आपको दिखाना चाहे तो। हाँ, बट ये टॉप लेवल प्रोटेक्शन यहाँ के बंदरों की वजह से। नीचे से हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे जाने के लिए लाइन लगी हुई है। और इसका कुछ ऊपर का व्यू मैं दिखाता हूँ जो काफी अच्छा है। ये कुछ ऐसा है, इस रास्ते लोग जा रहे हैं, हम लोग भी अब लाइन में। आइए, अयोध्या में प्रमुख स्थानों में राम जन्मभूमि के बाद सबसे पहले नाम आता है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यहीं विराजमान रहने के लिए कहा। मंदिर के भीतर स्थापित प्रतिमा में हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में माता अंजनी के गोद में बैठे हुए प्रतीत होते हैं। बेसिकली हनुमानगढ़ी से हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं रामलला की जन्मभूमि, जो मतलब मेन जन्मभूमि है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो रास्ते में बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर, जैसे अभी हमने ये देखिए, ये जो है दशरथ महल है बेसिकली, और ये जो है ये राम भरत मिलाप का एक मंदिर है,
और ये देख रहे हैं हम लोग अभी बेसिकली दशरथ महल में जा रहे हैं। इनके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ छोटा सा मार्केट है, मतलब इसमें जो भी आप लोग को छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें और ऐसे पूजा की चीज़ें खरीदनी हो खरीद सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, प्राइस कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो या कुछ हो। हाँ सोडा पानी पी सकते हैं आप। ये एक गिलास कितने रुपए मिलता है भैया? एक गिलास 20 रुपए की, जिसमें कैमरा देखो। अरे वो देख के बता रहे हैं। अच्छा एक गिलास 20 रुपए का है, जो सोडा सिकंजी है। सोडा सिकंजी, अच्छा ठीक। एक और दीजिए। और ये हम टेस्ट करके आप बताइए कैसा लग रहा है। बेस्ट है, दशरथ महल के काफी करीब आ गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दशरथ महल बेसिकली। ऐसे पेस्ट देखा यार, यहाँ देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल। हम लोग अंदर जाते हैं। हाँ इसके एंट्री कैमरा जस्टिस नहीं करेगा, लेकिन देखने में बहुत बड़ा है। जस्टिस नहीं करेगा, फेमस डायलॉग होता है। अच्छा अच्छा, हम लोग थोड़ा अंदर जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा लेट हैं, लेट नहीं है, आज का मंदिर का टाइमिंग आई थिंक कुछ बदल गया जिसकी वजह से मंदिर अभी बंद है। ये मंदिर नहीं है, ये महल है, सॉरी मैं अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेता हूँ। ये महल है बट हम लोग इसको वैसे भी एडिट कर देंगे। तो हाँ ये महल वैसे बंद है, हम दिखाते हैं आपको, तो हम लोग उसके पास ले जाते हैं आपको। बट हाँ अरे दादा रे ये बंद है, ये खुला नहीं है, तो भैया क्या कर रहे हैं। चलो दिखाओ। नहीं हम नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखेगा। अच्छा चलो हम दिखाने की कोशिश करेंगे जितना हम दिखा सकते हैं। बेसिकली ये मंदिर बंद हो चुका है और इसकी एंट्री यहाँ से होती है, इस रास्ते हम देखें तो अंदर जाके महल है, बट ये महल अभी बंद हो चुका है फिलहाल के लिए। तो पता नहीं यहाँ पे आपको गाय बहुत दिखेंगी, यहाँ पे गाय काफ़ी फैमिलियर भी हैं, बस ये मारे मत वरना कंटेंट बन जाएगा पालतू का। यहाँ पे गाय आपको बहुत फैमिलियर सी दिखती हैं, बट स्टिल काफ़ी अच्छा एरिया है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ बैठ के आराम भी कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ अगर ये खुला होता है तो आप अंदर जाते हैं, अंदर बैठते हैं, अंदर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, बट ठीक है हल के लिए जो है यही। तो अभी हम लोग दशरथ महल का दर्शन नहीं कर सकते, इसमें नहीं घूम सकते, तो अब हम लोग सीधा चलेंगे राम जन्म पड़ रहे हैं रामलला की जन्मभूमि पे। बट हम डिस्ट्रैक्शन है ये पानी पूरी। और यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखा, बहुत सारी मतलब कलाकृतियों को यहाँ दर्शाया गया है, जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी रोड के दोनों साइड बेसिकली, उस साइड और इस साइड दोनों साइड छोटे छोटे पंडाल बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग। और ये देखिए यहाँ पे कृष्ण जी राधा जी का झूला, वो झूल भी रहा है, बगल में पंडित जी उनको झूला रहे हैं। तो काफ़ी मनमोहक दृश्य है यहाँ, अगर आप चाहें तो आप लोग ज़रूर एक बार आएँ। और यहाँ पर देखिए रामचरित मानस की किताब और जितनी भी मार्केट। हाँ जी, आगे हम लोग लॉकर सेवा देख रहे हैं आप लोग। यहाँ बेसिकली क्या आपको अंदर राम जन्मभूमि में कुछ भी ले जाना, मतलब मोबाइल और ये अलाउ नहीं है, तो बेसिकली हम लोग मोबाइल भी लॉकर सेवा में अंदर रख देंगे। तो इसके आगे का ब्लॉग मैं आप लोग को थोड़ा तो दिखाई दूंगा, बट राम जन्मभूमि नहीं दिखा सकते, तो उसको मैं जब आप लोग को देख के निकलूंगा तो ज़रूर आप। यहाँ पर बेसिकली यही है सिक्योरिटी पर्पज़ से, आपको जो हनुमानगढ़ी है वहाँ आपका अलाउ है, फ़ोन कुछ भी ले जाओ, फ़ोन वोन सब अलाउ है, बट हाँ राम जन्मभूमि का आपको कुछ भी अलाउ नहीं। हाँ वहाँ पे सब कुछ आपको, वैसे वहाँ लॉकर की सुविधा मिलती है, आप चाहो तो वहाँ पे चीज़ें लॉकर में रख दो, वो बेस्ट पार्ट और वो सबसे बेस्ट है, सेफ होती हैं, मतलब एट योर ओन रिस्क है बट हाँ फिर भी सेफ होती हैं। तो ठीक है देखते हैं हम लोग कहाँ रखते हैं कैसे रखते हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। फिलहाल हम अभी और आगे जा रहे हैं, मिलते हैं यहाँ आप थकते हैं, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे गुप्ता ही लॉकर है, यहाँ पे बहुत सारे लॉकर हैं। जमा का जो लॉकर में लॉक करो गाड़ी मोबाइल। इन लॉकर का बेसिकली प्राइस जो है वो 20 रुपये 30 रुपये पर आवर के हिसाब से लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। आपको चाबी भी देंगे, आप वो चाबी आप अपने साथ ले जाओगे, फिर जब आप वापस लाओगे मतलब आओगे तो वापस चाबी जी। हाँ राम जन्मभूमि का रास्ता बेसिकली इधर से, या सामने देख रहे हो इस रास्ते से हमको जाना है।
बट अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ बेसिकली क्या है कि प्रसाद मिलता है भगवान का, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तभी आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉकर भी है यहाँ, और काफ़ी बड़ा स्पेस है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे चीज़ें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही हैं, ये सब चीज़ें बन रही हैं। अमावर राम मंदिर यहाँ पे हम लोग को बेसिकली जाना है। यहाँ पे आपको राम रसोई है, जहाँ पे आपको आधार कार्ड के बेसिस को क्या करना होगा, अगर आपको खाना खाना है, खाना बेसिकली जो प्रसाद के रूप में मिलता है, अगर आपको खाना है तो आपको आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा। एक आधार कार्ड पे आप 8 लोग का, मतलब आपकी फैमिली है तो 8 लोग खाना खा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग की फैमिली मेरे मामा जी, सॉरी मेरे मौसा जी वहाँ पे हैं, मेरे फादर, इन लोगों ने आधार कार्ड पे 8-8 टोकन ले लिए हैं बेसिकली। देखिए फ्री कूपन 11 बजे से मिलेगा, और यहाँ इसको लेने के लिए, हाँ जी, और यहाँ पे 3 बजे तक, 11:30 से 3 बजे तक दोपहर में मिलता है। आपको कुछ बेसिक सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करके आप यहाँ ले सकते हैं। इसके आगे हम दिखाते हैं, वहाँ से टोकन लेने के बाद आपको बेसिकली अमावर राम मंदिर में आना है। तो अभी हम लोग राम रसोई की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे आप राम रसोई का रास्ता बना हुआ है, हाँ जी राम रसोई का रास्ता बना हुआ है, हम लोग इधर चलो जा रहे हैं। निकली जो राम रसोई है वहाँ आ गए, पैर जल रहा है, हम थोड़ा उतर, हाँ ये पैर जल रहा था इसलिए हम लोग भागे हैं। दिखा देता हूँ आपको, ये राम रसोई है, यहाँ पे आप लाइन में बैठोगे आपको खाने को मिलेगा, ये सब वहाँ पे लंगर चल रहा है, बेसिकली लंगर सुविधा है। बैठो जी लाइन में बैठो, घूमते क्या, बैठो लाइन में, ठीक है लेट जाते हैं। ये भूखा लड़का भूखा खाना खाने आया, फिर कह रहा लेट जाते हैं। भगवान का प्रसाद है ये, प्रसाद की तरह ग्रहण करें, खाने की तरह नहीं, थोड़ा खाएं। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो आपको सबसे बेहतरीन व्यवस्था चाहिए तो आप प्लीज़ यहाँ से, वहाँ से आप टोकन ले सकते हैं, वो टोकन मैं आपको सारी दिखा नहीं पाया। यहाँ पे सबसे बढ़िया ये आर्किटेक्चर एक धनुष बना हुआ है, कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। बट आप वहाँ से टोकन लीजिए, फ्री का है, बिना कॉस्ट का, बस टाइम है 11 से 3:30 तक, आप टोकन लीजिए, आप उस पर अपना आधार कार्ड कोई भी, मतलब आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिखा के आप ले सकते हैं, एंड देन आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ यहाँ आ सकते हैं। चलिए देखते हैं खाना कैसा मिलता है। बेसिकली हम यहाँ सकते हैं, हम लोग को पत्तल मिल चुकी है, एंड होपफुली यहाँ पे हम लोग पीछे आप देख रहे हैं यही रास्ता है, जब आप एग्जिट करोगे, एग्जिट करके हम लोग ये आगे निकल रहे हैं, और अंदर थोड़ा सा लाइन में हम लोग को ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब हम लोग लगभग 30 मिनट लाइन में थे, वो थोड़ा सा दिक्कत था कि धूप में हम लोग को लाइन में लगना पड़ा, वो थोड़ा सा था, बट ठीक है, ओवरऑल सब कुछ सही था। अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है, चेकिंग सिक्योरिटी चेक्स कई बार होंगे आपके, तो आप कुछ भी ऐसा मत लेके आइए जो पेन तक नहीं, हाँ आप अगर पेन भी ले आ रहे हैं तो वो भी आपको अंदर अलाउ नहीं है, हाँ तो बस यही बात है। और ये बंदरों से बचाने के लिए हमने झोला बचाया है, पता नहीं अगर ये झपट्टा मारा तो ये गया झोला, और यही सब बात है। और तो गाइस हाँ, हम लोग ऑलमोस्ट अपनी वीडियो के इस ब्लॉग पे एंडिंग पे हैं, और चीजें नहीं कवर किया क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है ना, हाँ जी अंदर राम लला जन्मभूमि पे अलाउ नहीं है, तो हम अंदर नहीं गए, मतलब गए बस कैमरे के साथ, नहीं फोटो डाल सकते हैं, कुछ फोटोज हम लोग आपको दिखा देंगे, वो भी अंदर की नहीं है बाहर की हैं। एंड नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जा रहे हैं, और ये बंदर लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी लेके आते हैं कोई भी झोला, ये बंदर उस पर जरूर अटैक करेंगे, बच के ना, एंड नेक्स्ट आगे देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं, अयोध्या नगरी। बेसिकली गाइस हम लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा शाम को अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आए हैं, रामघाट बोलते हैं इस जगह को, पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे ये पूरा घाट अच्छे से बना हुआ है, यहाँ पे लोग नहाने के लिए और अपना जैसे भी उनको एंजॉयमेंट करना होता बेसिकली आते हैं। बट सबसे खास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे अभी जब रात होगी ना, जैसे जैसे रात होगी
तो यहाँ पे लाइटिंग शो होता है। लाइटिंग शो बेसिकली क्या होता है कि हमारी ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड में दीवारें दिख रही हैं, इन सब पे रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग कलर की लाइट, मतलब ब्लू, ब्लैक, ऐसे ब्लैक नहीं, ऐसे ब्लू, रेड, ऐसे अलग अलग कलर की ना लाइटें रिफ्लेक्ट होती है, जो देखने में काफ़ी अच्छी होती है। कोशिश करेंगे हम लोग, अगर अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे तो थोड़ा उस लाइटिंग शो को ज़रूर कवर करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अंशु बताइए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के अयोध्या नगरी में? काफी दिन से एक्साइटेड था ये लड़का, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक रिव्यू सेक्शन में डालता हूँ। तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ आके? पास पास सब कुछ अच्छा था, बहुत मजा आया यहाँ पे घूम के। सबसे ज्यादा एक्साइटेड में था नहाने के लिए, बहुत ही मजा आया। चलो मैं समझ सकता हूँ, वहाँ से चला तो इसको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ही हम नहाएंगे। उसके बाद आपको मंदिर कैसा लगा? हनुमानगढ़ी गए, वहाँ कैसा लगा आपको? मंदिर बहुत बढ़िया है, मजा आया अंदर जाके। उस मंदिर में थोड़ा अच्छा हम लोग के लिए ये था कि उस मंदिर को आपको मतलब सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा हाइट है उस पर, मतलब ज़्यादा नहीं, बट मुझे लगता है कि अराउंड 60-70 फीट की हाइट पे होगा, तो उसको सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता है, जो कि अभी आप आगे मतलब हमारे ब्लॉग में जरूर देखे होंगे। एंड उन सीढ़ियों से जाके ऊपर हम लोगों ने व्यू जो देखा था काफ़ी अच्छा था, तो काफी अच्छा रहा है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं लाइटिंग शो का। सो गाइस, शाम हो गई है और शाम को यहाँ पे सरयू जी के तट पे आरती होती है, तो हम लोग अब बेसिकली उसी के तरफ जा रहे हैं। अभी तक हम लोग नए पुल पे थे, रामघाट पे थे, बट अब हम लोग आरती के लिए इस साइड, यहाँ पे इसके अपोजिट साइड बेसिकली होगी वो आरती, तो हम लोग उधर जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में आए थे, तो हम वहाँ जा रहे हैं। होपफुली हम आप लोग को आरती दिखा पाएंगे, तो मिलते हैं आरती पे। फाइनली हम लोग अपने घर के लिए निकल दिए हैं, हम लोग अयोध्या से निकले हैं, बट हाँ थोड़ा लेट हो रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने प्लान किया था हम लोग डिनर यहीं करके चले, तो इसलिए हम लोग रुके हैं। मैं दिखाता हूँ आपको अवधेश सिंह का ढाबा, वो जो मैंने हम लोग सुबह रुके थे वही एक्चुअली उसका दूसरा ढाबा इधर है, तो हम लोग वहाँ रुके। इट्स समथिंग लाइक दिस, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर जब वापस आओगे ना तब पड़ेगा। सो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। अंशु की तबीयत खराब हो चुकी है, अंशु की तबीयत खराब हो चुकी है, देखते हैं क्या मिलेगा। ये कुछ अंदर से इसका लुक लाइक ऐसा है, देखते हैं हम लोग क्या बैठेंगे। हम लोगों ने चेयर यहाँ को पाई की है, वहाँ बैठे। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी ये यात्रा समाप्त होती है,
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ ला सकें।